क्या आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल डेकर से पी किया। नाजिम आप अपनी लैंग्वेज में बताएं। नहीं सर, कभी भी आपको कोई ये भी पता था कि पावर एसी का नाम क्या होता है, कितने प्रकार की पावर एसी? कभी वो असल किधर रहता है ये भी नहीं मालूम, किधर रहता है ये भी नहीं पता। अगर मैं आपको कोई सा भी बोर्ड दे दूं तो आप बोलूं कि दो पावर एसी है, प्राइमरी बता दो तो बता दोगे? प्राइमरी मेन सब बता सकते हैं, कर लो उसको। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट, आपका नाम बताइए। नाजिम सर। नाजिम आप कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ से हैं? विजयवाड़ा। बहुत अच्छी है यार, ये बहुत नामी सिटी है मेरे ख्याल से। उसमें क्या खास है, मतलब सिटी में क्या देखने लायक है, किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपकी? तो वहाँ पे कुछ है, कुछ बड़ा ऐसा जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ऐसा कुछ है? हाँ, तो उसके आसपास क्या है? उसके आसपास तो सारे पहाड़ है, नदी। अच्छा, तो बीच। वाओ, बहुत अच्छी खूबसूरत सिटी है। आप क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले मैं कुछ भी नहीं करता था। मतलब कुछ तो करते होंगे, पढ़ाई लिखाई या क्या? हाँ, करते पढ़ाई थे? करता था, बाद में सीसी पिन वगैरह बदलाता था। पढ़ाई करते थे। आपकी उम्र कितनी है? 18 सर। 18 साल के हैं आप। इतनी दूर से जबलपुर अकेले आए हैं क्या? नहीं सर, पापा लेके छोड़ के गए थे। अच्छा, पापा अभी लेने आएंगे? नहीं सर, मैं यार। आप अकेले से जाएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इतना मतलब आपके माँ बाप आप पर भरोसा करते हैं और आपको नॉलेज भी बहुत है। तो आपने इतनी दूर से एसर टेलीकॉम क्यों सिलेक्ट किया? आपने अपने घर वालों से क्या बात की और वो क्यों राजी हुए, थोड़ा बताइए आप। तो मेरा फ्रेंड ने एक जना सजेस्ट किया था। हाँ, एसर टेलीकॉम जाओ जी। वो भी इधर ही पढ़ के गया था। अच्छा, वो मेरे को सजेस्ट किया था। वो कितने साल का था? वो भी 17 हो। अच्छा, वो भी 70 ईयर ओल्ड था। तो आप देखिए, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर उम्र कितनी ज़रूरी है। आप लोग ने, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि एक अपने साथ बैकअप में एक आया था ना स्टूडेंट, 55, दिखाओ जरा इनको समीर जी, कितने उम्र के थे वो? 55 साल के। और करण जी नाम था उनका। यस, करण जी नाम था, काफ़ी एजेड थे और एक्सपीरियंस बंदे थे, और यहाँ 18 साल के बंदे बैठे हैं। तो क्या उम्र कोई इसके लिए जरूरत नहीं है? पढ़ाई लिखाई जरूरत है क्या? सर होना है, मतलब हल्का सा नॉलेज लिखना आना चाहिए, क्योंकि हाँ समझ में आना चाहिए एटलीस्ट जितना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी समझाते हैं हमें पे। आपको सिर्फ सीसी बदलना आता था, चिप लिप पे कभी काम किया था आपने? सर, कभी भी आपको कोई ये भी पता था कि पावर एसी का नाम क्या होता है, कितने प्रकार की पावर एसी? कभी वो असल किधर रहता है ये भी नहीं मालूम, किधर रहता है ये भी नहीं पता। अगर मैं आपको कोई सा भी बोर्ड दे दूं तो आप बोलूं कि दो पावर एसी है, प्राइमरी बता दो तो बता दोगे? प्राइमरी मेन सब बता सकते हैं। बकलाइन आपकी डायग्नोस कैसे कर रहे हैं, पावर को कैसे डायग्नोस कर रहे हैं? सर, कैसा लगा ऑल ओवर एक्सपीरियंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी यहाँ पर आपने पूरा कोर्स किया, बताइए? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। मतलब आप क्या सोच कर आए थे कि मुझे ये मिलेगा, या डर भी होगा मन में? डर था क्या? डर था आने में, बाद में आया था, बाद में मेरे को डर पूरा चला गया। डर चला गया सर। जब आप पहले दिन कौन से दिन आए थे? मैं 24 को सर। 27 को एक आपकी कौन सी एक काउंसलिंग क्लास हुई थी सर। आपको वो क्लास में बताया कि पढ़ाएंगे कि भी नहीं पढ़ाएंगे? बोले सर। बोले थे तो मुझे बताओ, उस समय पैसे लिए थे आपसे? नहीं सर, नहीं लिए थे। तो वो क्लास में हमने आपको जो भी डिलीवर किया, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे यहाँ पे पैसे दे देना चाहिए? सर, मैं एक ही सोच के आया था, मैं इधर सीखा थे, मैं सीखना है। बिल्कुल सर। और यहाँ का पढ़ाने का एक्सपीरियंस टीचरों का कैसा रहा थ्रू आउट जो हमारी टाइमिंग है? कभी ऐसा तो नहीं रहा कि मैं बैठा हूँ बोर हो रहा हूँ, ये चीज़ तो मुझे आती है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, कोई पुराना सब्जेक्ट है, ऐसा तो नहीं सर? रोज सारे नया। हर स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हो आप? ये सब अपने लिए कर रहे हो? नहीं सर, हर स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं है कि हॉस्टल में जाके आप लोग बात करते हो कि नहीं यार आज का टॉपिक तो मज़ा नहीं आया, ऐसा तो? ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है, हर चीज़ सीखने को मिली है। यस सर। और जो भी आपने थ्योरी में सीखा वो सब प्रैक्टिकल किया है कि नहीं किया? बिल्कुल किया। टाइम देते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल करने सर? बिल्कुल। तो आप देखें तो उसमें लाइव भी आते हैं। और नाजिम आपने तो एक 4G हैंडसेट में भी काम किया ना, लाइव सर? देखो, फर्स्ट 18 साल का बच्चा, एक जो 18 साल में तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम स्कूल के बाद कौन सा कॉलेज अटेंड करें, हम तो वो भी अपने माँ बाप से पूछ के करते हैं। इतने इसे अच्छा, आपके माँ बाप का क्या कहना था जब आपने बोला कि मैं मध्य प्रदेश जाऊँगा इतनी दूर, क्या कहना था आपका? मतलब बोले थे सर, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे। वेरी गुड यार, अगर आप इनके फादर ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सम्मान है आपके लिए, और हैंड्स ऑफ करना चाहूँगा, क्योंकि यार हमारे फादर में इतना तो नहीं था यार, क्योंकि बहुत माँ बापों में अपने बच्चों को लेकर एक रहता है मन में डर
कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, इतनी दूर जा रहा है, तो डर के कारण अपने बच्चों का है ना आप भविष्य खतरे में मत डालिए। इस वीडियो के सहारे में सारे इंडिया या इंडिया के बाहर या जो इस व्यूवर इन वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपका बेटा या आपकी बेटी कुछ काम करना चाहते हैं और कहीं से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए, जैसे नाजिम को सपोर्ट किया। नाजिम, वाकई में आपके फादर ने अच्छा किया कि नहीं किया आपके लिए? बिल्कुल किया सर, बिल्कुल किया। यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल खुश हो कि नहीं हो, सेटिस्फाई हो कि नहीं हो? सर, पापा जब बात करते हैं आपसे फोन पे तो कैसा फील होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस। क्या बोलते हैं कि सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे बताते हैं? सर हर रोज उनको बताते हैं, हर रोज बताते हैं यहाँ पर, तो वो खुश होते हैं यहाँ पर? बिल्कुल खुश होते। चलो ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। नाजिम, आप बहुत दूर से आए हैं और हम हमेशा आपका सपोर्ट में रहेंगे। 18 साल के हैं आप और उम्मीद करता हूँ जब आप 30 साल या हमारी उम्र के आएंगे तो आप हमारे से भी 10 गुना 10 कदम आगे पहुँच जाएंगे और इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में आपका नाम होगा। बस उसके लिए नाजिम आपको एक हमसे एक आपको वादा करना होगा कि आप जो भी काम करेंगे उसको पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा एक, अगर आपने इस फील्ड को चुना है तो उस फील्ड को कभी छोड़ेंगे नहीं? नहीं सर, कभी बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ए, नाजिम के लिए क्लैप हो जाए भाई। सर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?